हेलो एंड वॉम वेलकम टू जूनरा अजहर ऑफिशल वियरस मैंने कोई दो दिन वीडियो नहीं की और वीडियो ना करने की वजह फैमिली रीजन थी माई फादर वॉज अनवेल एंड ही हैड टू गो थ्रू अ सर्जरी अलहमदुल्ला ही इज़ ऑल वेल नाउ बट गोइंग थ्रू अ ट्रेजिडी अगर आप उसमें से कुछ सीखें नहीं और अगर आप उसमें से मजीद स्ट्रांग हो के ना निकलें तो आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट अल्लाह आपको बहुत सारे ऐसे मराहल से गुजारता है सिर्फ ये बताने के लिए कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है और पेरेंट्स की अटैचमेंट हम में से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हम कितने अटैचड होते हैं अपने पेरेंट्स से और उनको तकलीफ़ में देखना मेरे ख्याल है इससे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ कोई हो नहीं सकती मैंने बहुत पहले जब यह यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब पाकिस्तान में फ्लड्स आए हुए थे और मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा था मैंने अपना चैनल इसलिए शुरू कर दिया कि एटलीस्ट समबडी विल बी रिपोर्टिंग एंड आई रिमेम्बर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और लोगों ने भी इसको पिक किया और फिर सैलाब एक अहम ख़बर की तरह सामने आया आ, कल मैंने एक ट्वीट की थी और वो मैंने हॉस्पिटल से ट्वीट की थी जब मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैं आ, एक ऐसा क्लाइंट थी उस हॉस्पिटल के लिए जिसने प्राइवेट फीस पे की और वो एक महंगा हॉस्पिटल है और मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहती बिकॉज डिफेम नहीं करने की ज़रूरत किसी को आप सिर्फ अपना मसला बयान कर सकते हैं बगैर किसी का नाम लिए लेकिन वहाँ पे एक एटीट्यूड जो मैंने नोट किया उससे मुझे ये याद आया कि कोई आज से पाँच साल पहले मैं एक टीवी चैनल में काम करती थी जो एक सेठ साहब की मलकियत था वहाँ भी यही बिहेवियर था बिहेवियर ये है कि आप अपने एम्प्लॉज़ को आप अपने क्लाइंट्स को ये भी छोड़ दें कि वो क्लाइंट्स हैं इंसानियत के नाते पाकिस्तान में किसी को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती अगर एक मरीज़ सेवन फ्लोर पे वेट कर रहा है लिफ्ट में और लिफ्ट रोक के रखी हुई है लिफ्ट ऑपरेटर ने और uh, वो कह रहा है कि मैंने इसलिए रोकी हुई है कि मालिक साहब आ रहे हैं उन्होंने कहा मेरे लिए लिफ्ट रोक के रखना आम आदमी यूजुअली हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं रिएक्ट करते हैं उस बंदे के ऊपर जो आगे से किसी का मुलाजिम है उसका कोई कसूर नहीं है उस लिफ्ट ऑपरेटर का कोई कसूर नहीं है ही इज़ फॉलोइंग ऑर्डर्स उसने तनख्वाह लेनी है उसने अपनी जॉब मेंटेन रखनी है ये माइंडसेट देखने की ज़रूरत है कि लोगों से पैसे अर्न करके उसके बावजूद अगर आपकी प्रायोरिटी लोग और इंसानियत नहीं है हॉस्पिटल जैसे शोबे में जहाँ पे मरीज़ के लिए एक एक मिनट इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पर एज अ नेशन हम लोग कितने ज़्यादा प्रोटोकॉल ओरिएंटेड हैं हमारे अंदर कितने कॉम्प्लेक्सेस और इनसेरिटीज़ हैं कि आपको किसी और की कोई परवाह नहीं है और आप चाहते हैं आपके लिए कोई लिफ्ट रोक के रखे कोई दरवाज़ा खोल के रखे गाड़ी से आप उतर सकते हैं आपके हाथ पांव सलामत है लेकिन आप चाहते हैं ड्राइवर आपके लिए दरवाज़ा खोले ये सारी जहनी बीमारियाँ हैं ये सब कॉम्प्लेक्सेज हैं और ये सब हमारे अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं एट ऑल लेवल्स अगर आप थोड़ा अर्सा भी किसी वेस्टर्न uh, कंट्री में टाइम गुजार के आए यही लोग वहाँ जा के सब कुछ खुद ही करते हैं लाइंस में भी लगते हैं वेट भी करते हैं अपनी बारी का भी इंतज़ार करते हैं बिकॉज़ वहाँ का निज़ाम इतना मज़बूत है कि वो किसी को उसे बाईपास नहीं करने देता तो ये जो हमने निज़ाम की बात की है इसके बारे में शिकायतें करने लगें तो ऐसी हज़ार वीडियोज़ बन सकती हैं बट द चैरिटी बिगिनज एट होम पर्सनल लेवल पे अगर हम अपने आप को देखना शुरू करें कि खुद हम में कितनी खामियां हैं तो ना सिर्फ हम अपने ऊपर बड़ा एहसान करेंगे बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों पे भी बहुत एहसान करेंगे बिकॉज जो हम तकलीफ़ पहुंचाते हैं अपने रवैयों से दूसरे लोगों को वो हम अपने आप को भी हर्ट कर रहे होते हैं ऐट द सेम टाइम इसलिए ये जो मैंटल हेल्थ के इशूज़ हैं डिप्रेशन स्ट्रेस एनजाइटी इनसेरिटीज़ ये सारी कोई डिस्कस नहीं करता Unfortunately, we do not have avenues. कोई हेल्दी एवेन्यूज़ नहीं है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को इनक्रेज नहीं किया जाता जो हम खुद कर सकते हैं वो भी नहीं करते हम बुक्स नहीं पढ़ते हम लिटरेचर डिस्कस नहीं करते हमें टीवी पे भी कंटेंट वो चाहिए जो बड़ा स्पाइसी हो जो हिट करता हो किसी को ड्राई मटेरियल uh, समझा जाता है अगर आप कोई फिलोसॉफिकल डिस्कशन करना चाहें कोई आइडिया डिस्कस करना चाहें ऑल टुगेदर टीवी चैनल्स पे ऐसा आइडिया रद्द कर दिया जाता है जिसका पता हो कि ये बिकेगा नहीं और ड्रामों में काम करने वाले लोगों से जब बात करें कि क्यों आप हर वक्त औरत को या किसी एक शख्स को मज़लूम दिखाते हैं लाजमन हर ड्रामे में तो कहते हैं बिकॉज दैट इज़ आर सेलिंग कमोडिटी मज़लूमियत बिकती है पिटाई हो रही हो किसी शख्स की उसे मार पड़ रही हो उसके ऊपर जुल्म हो रहा हो चाहे वो कोई भी किसी पे कर रहा हो वो बिकता है सीधी सीधी सी कहानी कौन देखना चाहता है सो ये हमारा रवैया है कहानी की हद तक ठीक है कि हमने उसको रियलिटी से ले कर किसी तरह एक्सेप्ट कर लिया कि चले ये ड्रामा है लेकिन हम लोग हर रोज़ सड़कों पे यही रवैये देखते हैं एक गार्ड से ले कर और अंदर जाके एक अफसर से मिलने तक जो कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ता है इट ऑल डिमॉन्सट्रेट्स कि हम मॉरली बड़े बैंक हो चुके हैं और आई थिंक मैंने ये चीज़ जब रियलाइज़ की और सेंसिटिव होना इस मुल्क में एक जुर्म है क्योंकि आपको अफसोस होता है कहीं किसी के साथ ज्यादती हो रही हो जुल्म हो रहा हो तो फिर इसका हल यही निकाला कि आप खुद अपने लिए ऐसा एक एवेन्यू डेवलप करें जहाँ पे सब कुछ डिस्कस हो सके सोशल मीडिया इज़ टू टॉक्सिक आप अपना आइडिया फ्लोट करें और पहले हेटर्स आपको जवाब देंगे पहले नेगेटिव लोग आपको जवाब देंगे लेकिन एक पॉजिटिव जेस्चर आपको बिल्कुल नॉर्मल कर देता है तो वो जो टॉक्सिसिटी है ऑन द सोशल मीडिया वो क्यों है बिकॉज हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ना सुनते हैं एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है सो so हम बेसिकली सुन ही इसलिए रहे होते हैं क्योंकि हमने फ़ौरन उस पर रिएक्ट करना होता है अगर आपने पहले ही अपने दिमाग में सोच रखा है कि आप इस पर रिएक्शन ही देंगे तो फिर आप अगले से लर्न नहीं कर सकते जबकि इन माई ओपिनियन हर एक्सपीरियंस से लर्न किया जा सकता है सो आई एम स्टार्टिंग दिस न्यू चैप्टर इन माई यूट्यूब चैनल इट विल बी कॉल्ड योलो यू ओनली लिव वंस और इसका ख्याल मुझे तभी आया जब मैं खुद हॉस्पिटल में थी और मैं खुद एक मिज़री से गुजर रही थी तो उसको शेयर करने की ज़रूरत होती है लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस बताएं उनसे राय मांगें उनका पर्सपेक्टिव सुने हो सकता है आपको पता चले आपसे बहुत बुरे हालात में लोगों ने कितनी बहादुरी के साथ क्या क्या फ़ेस किया है और ये एक स्ट्रेंथ होती है जब लोग आपस में बैठ के बात करते हैं आ, कई ममालिक में टॉकिंग ग्रुप्स होते हैं फोकस्ड ग्रुप्स होते हैं जिनका सिर्फ काम ये होता है कि आप आएं शेयर योर एक्सपीरियंस एंड लेट दी अदर पीपल लिसन टू यू सिर्फ सुनने से डिस्कस करने से आधे मसले हल हो जाते हैं सिमिलरली इफ़ आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स और लोग बुक्स नहीं पढ़ते तो हो सकता है मैं अपनी पाँच मिनट की वीडियो में उस बुक का ट्रक्स आपके साथ शेयर कर सकती हूँ तो बहुत सारे लोगों तक वो आइडिया पहुँच जाएगा सो so, बहुत सा अच्छा यूज़ ऑफ सोशल मीडिया हो सकता है पॉलिटिक्स इज नॉट एवरी थिंग और पॉलिटिक्स इज पार्ट ऑफ लाइफ नॉट लाइफ सो बिकॉज वी ओनली लिव वंस आई वॉन्ट टू इनिशियट दिस इनिशियटिव और आई वेलकम यू ऑल कि आप लोग मैसेजेस के ज़रिए कोई टॉपिक्स डिस्कस करना चाहते हों कोई पर्सपेक्टिव देना चाहते हों जो कि हम डिस्कस करें जो इंसानी लाइफ से मुतलक हो जो इंसानी सोच से मुतलक हो जो हमारे रवैयों से मुतलक हो करियर से रिलेटेड हो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग भी नहीं मिलती सो so, बहुत बड़ा गैप है कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप है तो दिस इज़ अ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म विच आई हैव स्टार्टेड or uh, i want it to be very interactive आई वेलकम एवरी वन ऑन एट जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे यू कैन सेंड मी मैसेजेज़ ऑन एनी टॉपिक्स एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू डिस्कस तो कल से uh, आप इस पर एक नया परस्पेक्टिव देखेंगे सुनहरा जर ऑफिशल पर और जब मुझे ब्रेक मिलेगा फ्राम पॉलिटिक्स जो कि कम अज़ कम हफ्ते में एक दफ़ा मैं ज़रूर लूँगी हो सकता है दो दफ़ा भी ले लूँ uh, लेकिन इस तरीके के टॉपिक्स पर इन टॉपिक्स पर ज़रूर बात होगी जिन पर बात ना कर करके हम यहाँ तक पहुँचें See you all.